हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? सबसे पहले 12th पास करने पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्टली कौन सी जॉब कर सकते हैं। बट ये बात शुरू करने से पहले प्लीज ये जान लें कि मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप 12th के बाद ही जॉब करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के अपने फायदे हैं और उससे आपको बेहतर करियर स्कोप मिलता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर कुछ लोगों के लिए ये आसान नहीं है। हो सकता है आपके घर की कंडीशन या किसी और मजबूरी की वजह से आपको 12th के बाद ही जॉब करनी पड़ रही हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट भारत सरकार की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज और ग्रेजुएशन अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं। एक बात और, आप जो भी जॉब करें सीखने के इरादे से करें, किसी जॉब को छोटा या बड़ा समझें ना। और दूसरी बात ये कि ये लिस्ट लड़कियों और लड़के दोनों के लिए है, क्योंकि आज के ज़माने में सब बराबर हैं। नंबर एक, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए टाइपिंग स्पीड और बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की नॉलेज पर ध्यान दें। नंबर दो, कंटेंट राइटिंग। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आपको सीखने का शौक है तो ब्लॉग और वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। नंबर तीन, प्राइमरी स्कूल टीचर या प्राइवेट ट्यूटर। अगर आप बहुत अच्छे से लोगों को पढ़ा पाते हैं तो आप ट्यूटर बन सकते हैं। आगे जाके और एजुकेशन लेने के बाद आप गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने का स्कोप हो सकता है। नंबर चार, बीपीओ। ऐसी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो आपको एंट्री लेवल जॉब्स दे सकती हैं। आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी पैसे मिलने शुरू हो सकते हैं। नंबर पाँच, पुलिस डिपार्टमेंट। यहाँ आपको एंट्री लेवल पोजीशन जैसे कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपकी शारीरिक रूप से आपको फिट होना चाहिए। नंबर छः, इंडियन आर्मी। आप एंट्री लेवल जॉब जैसे क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनडीए के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैथ और फिजिक्स चाहिए होगा। नंबर सात, मर्चेंट नेवी। हो सकता है आपको लंबे समय के लिए शिप पे रहना पड़े तो उसके लिए आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। नंबर आठ, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप एसएससी का एग्जाम देकर डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे जॉब्स पा सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और अच्छे टाइपिंग स्किल्स आने चाहिए। नंबर नौ, रेलवेज। आपको रेलवे कांस्टेबल या रेलवे क्लर्क जैसी जॉब मिल सकती है। नंबर दस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें आपको जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्ट गार्ड जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एडिशनल जॉब्स बता रही हूँ जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप फोटोग्राफर या फिर आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत पैसे ना मिले बट अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मार्केटिंग की जॉब्स जिसमें कंपनियाँ कॉन्फिडेंट और अच्छे कम्युनिकेशन वाले लोगों को ढूंढती हैं। मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपको मेकअप का शौक है। मीडिया इक्विपमेंट मॉनिटरिंग, जिसमें आप डिजिटल विजुअल या ऑडियो इक्विपमेंट मॉनिटर करेंगे। ये ज़्यादातर एक्सपर्ट के अंदर होती है। जिम ट्रेनर, अगर आपको फिट रहने का शौक है और फिटनेस के बारे में जानने का तो किसी जिम में आप काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर, अगर आपको पार्टीज या शादी ऑर्गेनाइज करने अच्छा लगता है तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, वेब डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया 3D एनिमेशन। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा अपने व्यवसाय करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। आप अपनी रुचि के फील्ड में अपने व्यवसाय खोलने का सोच सकते हैं। एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप उसमें अपनी जॉब करें, उसमें करियर बनाएं। भीड़ के पीछे ना भागें, क्योंकि हर इंसान का अपना टैलेंट होता है। उसे पहचानें, उसमें करियर बनाएं। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। नमस्ते।